इतनी तैयारियां, इतने खर्चे, इतना शोर हंगामा और क्या निकला अंदर से? मैंने दादा और अब्बू को पहले बता दिया था। मुझे बताना था तुम्हें युसरा, मुझे। बेटा मुझे ही बता देती, मैं पहले मना कर देती। ऐसे रिश्ते बहुत आए हैं। नहीं करना बुशरा को, वरना हम पहले ही कर देते। क्यों बताती है? इसको तो टाइम पे मिल गया ना, हम उमर लाइफ पार्टनर। हर चीज वक्त पर मिली है इसे, अच्छा शोहर, अच्छे बच्चे, अच्छा खानदान और पेटी भर जहेज जो मेरे नाम पे भर के रखा गया था। बुशरा, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही सब करती जो तुम कर रही हो। जगह का तो रोना है, वैसे मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं नजर आई। मेरे ख्याल से बात आगे बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जब मैं अनमैरिड हूँ तो मेरे लिए शादीशुदा क्यों? उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है बुशरा, शादी करना उसका हक है। और मेरा हक है इनकार करना। कर दिया। अरे बीबी, इस उम्र और इस मिजाज पे कोई रिश्ता अब भी अगर आता है तो गनीमत जानो। माँ, कैसे हुई मेरी ये उम्र और कैसे हुआ मेरा ये मिजाज दादो? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है, जबकि आप सबसे बेहतर जानती हैं। सुनो, तौबा है भैया, तौबा। साबरा, कहाँ है वो रिश्ते वाली औरतें? बुलाओ उन्हें, उनसे कहें कि ढूंढे रिश्ता। जो भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा। अब इस मामले में देर करने की जरूरत नहीं है। अय्या, मेरा बच्चा क्या कर रहा है? क्यों इस कचरे में हाथ डाल रहा है? ये तो कबाड़िए का सामान है। वो दादा, ये जॉगर्स निकाल रहा था बस में से। जॉगर? ये क्यों ढूंढ रहा है? तुझे तो नए लाने थे ना दादा। वो नए वाले ना पैरों में चुभते बहुत है, ये थोड़े से आराम देना। तो सोच रहा था प्रैक्टिस के लिए इन्हीं को इस्तेमाल कर लूं। आए, मुझसे तो कहा था कि ये ढीले हो गए, मुझसे भागा नहीं जाता, इन्हें पहन के पाँव निकलता है। जब भी तो वो 3,000 वाले लिए थे जो काट पीट के एक तरफ किए। अच्छा दफा कर, नए ले आना, ठीक है? हाँ हाँ, इसके पैसे खत्म हो गए। अरे पैसे क्यों खत्म हो गए? अभी उसी दिन तो मिले इसे पैसे। अरे मुझे भी 1,000 रुपए दिए थे मेरे बच्चे ने, बाकी इसने मुझे दे दिए वो बुशरा वाले मेहमानों के खानों। अच्छा अच्छा, फिर ऐसा कर, ये रख पैसे और अपने लिए नए मॉडल। दादू क्या हो गया? मैंने आपसे वापस लेने के लिए आपको पैसे दिए थे। अरे बेटा, ये मेरे बटवे में रखे क्या अंडे बच्चे देंगे? तेरे काम आ जाएंगे। मम्मी प्लीज दादू को समझाएं। रख ले, आपको पता है ना इसका, वो नहीं लेगा। रख ले, इसके नए जूते कैसे आएंगे? दादू ये आपकी सोचने की चीजें नहीं है, आप इधर बैठ के नाश्ता करें प्लीज। आ जा। कुर्बानी का दुम्बा ही आया, होता नहीं है। बहनों का मान बढ़ाने, जिम्मेदारियां उठाने और अपने बाप का बाजू बनने के लिए पोता मांगा था। दूसरी तरफ बुशरा की सुनो, वो कहती है सिवाय इसके और किसी की अहमियत ही नहीं है घर में। पता तो वो भी नहीं, पता नहीं गलत कौन है।
कॉलेज से इसलिए छुट्टी कराई थी, आके मेरा थोड़ा हाथ बिठा दो। तुम्हारे अब्बा पहुंच जाएंगे अपने दोस्तों के साथ 2 बजे, जरा आके सब्जी कटवा दो। मिली किधर हो? मिली जी, टैंकी में पानी खत्म हो गया, जरा मोटर चला दो। अम्मी पानी तो मेरे बाथरूम में भी नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है मोटर की तार जल गई है। मोटर की तार जल गई, उसे कौन ठीक करेगा? मैं तो अब्बा भी नहीं है, मैंने तो इतना सारा काम करना है, पालक भी नहीं धुली। वो याया है ना घर पे, आप उसको आवाज लगाए ना। अच्छा याया बेटा, याया जी। आंटी। बेटा वो जरा मोटर खराब हो गई, आके चेक कर लेना। अयो हमारा बच्चा मोटर मैकेनिक है क्या? माँ क्या कह रही है, पड़ोसी है, जाना पड़ेगा। अरे हाथ वात आ गया बच्चे का तो? अरे हमारे घर की तो मशीनें ठीक करता है याया। हाय आंटी। बेटा मोटर चल जाएगी ना? हाँ हाँ कैसे नहीं चलेगी, आपको चला के दिखाऊंगा। ये देखें। चल गई। बहुत शुक्रिया बेटा, आप जीते रहो। मम्मी के साथ खुश रहो। मम्मी के साथ चाय पियोगे? वो दादी वो नाश्ता करके आया हूँ। अरे अभी तुम्हारी दादू की आवाज आ रही थी कि या चाय पीता जा, चलो। तुम्हारा हक है, तुम्हें रिश्ता नहीं पसंद तो इनकार कर दो। मुझे करनी नहीं है किसी मैरिड बंदे से शादी। वैसे तुम्हारी अम्मी अबू दादी वगैरह का तो बहुत गुस्सा आया होगा। हुए थे, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। डरने की भी जरूरत नहीं है, कुत्ता कमाती हो खाती हो। अब तो मैं घर पे भी एक पाई खर्चा नहीं देती। बहुत अच्छा करती हो, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ। अब किसी को याद भी नहीं रहता कि तुमने अपनी जवानी और मेहनत की कमाई इन सब पर खर्च की है। मुझे देख लो, रह गई ना मैं अकेली। और ये भाई, 3-3 है मगर एक वक्त का खाना देने को भी भारी है। वैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू का नाम साबरा और मशकूर है ना, सबर शुक्र करने वाले होते ना तो एक दो पे हाथ रोक देते, मगर नहीं, जब तक बेटा हासिल नहीं कर लिया, सबर का सांस शुक्र के हाथ नहीं उठे। वैसे तुम लोग टोटल कितने बहन भाई हो? इससे पहले एक बहन पैदा हुई थी और बीच में 2 भाई, लेकिन वो पैदा होते ही मर गए थे, तो कुल मिलाकर 8। माशाल्लाह। मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं तुमसे बातें बात कर रही। बैठ सकते हो। सॉरी मिस माफ की और मिस नसीम की सारी बातें सुन ली, जानबूझ के नहीं। हो आप लोग बोल ही इतना ऊंचा रहे थे। सॉरी। नो नो इट्स ओके, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया, आपको किसी ऐसे वैसे शख्स से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस बुशरा, सर झुका के आना जाना ठीक है, पर कभी कभी अपने ताए बाए भी देख लेना चाहिए, शायद कोई आपकी एक नजर का मुंतजर है। कौन?